नमस्कार दोस्तों, YouTube पर आप देख रहे हो VIP एडिटिंग चैनल। और अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो वैसा वीडियो आप बनाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखें। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो प्रोजेक्ट फाइल है वो मैंने टेलीग्राम की चैनल में दे रखी है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी अपने जो वीडियो है वो चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके ओपन कर लेनी है, और आपको सर्च में लिखना है VIP एडिटिंग, आपको लिख लेना है, और आपको यहाँ ये चैनल है वो खोल लेनी है। तो दोस्तों, इस चैनल में मैं नीचे प्रोजेक्ट फाइल दे दूँगा, तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपको बाहर आ जाना है। तो दोस्तों, वो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपको रार फाइल में मिलेगी। तो दोस्तों, उसको जिप में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आप सीखना चाहते हो तो मैं नीचे एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप सीख सकते हो, या फिर आप मेरे दूसरे भी वीडियो चेक करके देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि जिप जो रार फाइल है वो जिप फाइल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अभी दोस्तों, आपको एक मेन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है नोड वीडियो एप्लीकेशन। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरी जो टेलीग्राम की चैनल है वहाँ से जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एप्लीकेशन वही आप यूज़ कर सकते हो। अभी दोस्तों, आपको सबसे पहले तो यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक कर लेना है, बाद में आपको लोड प्रोजेक्ट जिप लिखा है वहाँ आपको क्लिक करना है, बाद में आपको तीन लाइनिंग पर क्लिक कर लेना है, और आपके मोबाइलों के फोल्डरों में आपको चले जाना है, और वहाँ से आपको आपके मोबाइल के जिस भी फोल्डर में आपने प्रोजेक्ट फाइल एक्सट्रैक्ट की हो और प्रोजेक्ट फाइल आपको यहाँ खोल लेनी है। तो यहाँ पे आपको एक जिप फाइल मिलेगी, पहले हमारे पास जो रार फाइल थी उसकी हमने जिप फाइल में कन्वर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, तो आपको जिप फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने जिप फाइल सिलेक्ट कर दी है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट फाइल यहाँ ऊपर सबसे पहले आ जाएगी, बाद में उस प्रोजेक्ट फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है इस तरह। तो प्रोजेक्ट फाइल नोड वीडियो एप्लीकेशन में इस तरह आपके पास खुल के आ जाएगी। बाद में आपको सबसे पहले तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, बाद में ग्रुप पे क्लिक करना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी फ़ोटो नज़र आएंगे, जो कि PNG फ़ोटो है और कुछ बैकग्राउंड फ़ोटो मैंने दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो चेंज कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने फ़ोटो का जो नाम लिखा है योर फ़ोटो करके, वो आप चेक करना चाहते हो कौन सा फ़ोटो है, तो यहाँ से आप इस तरह चेक कर सकते हो। और दूसरा फ़ोटो जो पीछे है, तो दोस्तों यहाँ पे आप उसको भी इस तरह चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये सभी फ़ोटो आप चेंज कर सकते हो। अभी ये जो टेक्स्ट लिखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अगर टेक्स्ट आपको चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं टेक्स्ट चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ टेक्स्ट भी चेंज हो गया है। वैसे ही दोस्तों, मैं अभी आपको एक फ़ोटो चेंज करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जो फ़ोटो आपको चेंज करना है उस फ़ोटो पर आपको इस तरह क्लिक कर लेना है, बाद में तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है, और रिप्लेस पर आपको क्लिक कर लेना है, बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और आपको तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है, इमेज में चले जाना है।
इमेज में जाने के बाद आपके मोबाइल के जितने भी फोल्डर होंगे सभी फोल्डर यहाँ खुल जाएंगे। तो यहाँ से आपको आपका कोई कटिंग किया हुआ फ़ोटो या फिर PNG फ़ोटो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं कोई एक फ़ोटो आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और इस तरह आपको वीडियो के आगे चले जाना है। तो ये फ़ोटो चेंज होके आ गया है। अभी आपको उस फ़ोटो को सेट करना रहेगा, तो फ़ोटो को सेट करने के लिए उसको थोड़ा ऊपर ले आना है इस तरह। उसकी जो साइज है ये यहाँ से आपको कम कर देनी है और यहाँ आपको सेट कर देना है। तो दोस्तों ये फ़ोटो अभी सेट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं इस वीडियो में अगर सॉन्ग ऐड करना चाहता हूँ तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पे ये प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से आपको लोड फ्रॉम फाइल लिखा है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। बाद में तीन लाइनिंग पर क्लिक करना है और आपको यहाँ से ऑडियो फाइल में चले जाना है। तो यहाँ से आपके मोबाइल में जितने भी सॉन्ग होंगे सभी सॉन्ग यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको कोई भी सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं कोई एक सॉन्ग सिलेक्ट कर रहा हूँ 30 सेकंड का, तो मैंने 30 सेकंड का सॉन्ग यहाँ सिलेक्ट कर दिया है। तो अभी ये सॉन्ग यहाँ आ गया है। अभी ये वीडियो पूरी तरह से तैयार है, अभी ये वीडियो सेव करना है। तो वीडियो सेव करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो रिजोल्यूशन है वो आप चेंज कर सकते हो, क्वालिटी भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ वेरी हाई रखी है। बाद में दोस्तों आपको ये ग्रीन बटन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद आपका ये वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखना मत भूलना।